नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में रिश्तों के कत्ल का एक मामला सामने आया है। यहां पर एक भतीजे ने अपने ताऊ की सोते समय फावड़े से गला काट कर निर्मम हत्या कर दी। हत्या की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। SSP के मुताबिक आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। थाना तरौली में लालपुर गांव पड़ता है, यह विवाह का मामला है जहां पर उमा शंकर बाची जी थे, उनके सगे भतीजे द्वारा जिसका नाम मिथुन उर्फ हरिचंद है, शराब के नशे में जो है आकर फावड़े से मारकर उसकी हत्या कर दी है। उपरोक्त मामले में पुलिस द्वारा पंचायत में पोस्टमार्टम कार्यवाही की जा रही है। परिजनों के दरी पर मुद्दा पंजीकृत किया जा रहा है और अभी उन्हें पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगरा के ताजमहल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ताज का दीदार करने पहुंची। खिलाड़ियों ने ताजमहल में जमकर मस्ती की, साथ ही अलग अलग ताज के कोने पर तस्वीरें भी खिंचवाई। इसके साथ ही कई वीडियो और रील्स भी बनाए। पर्यटकों ने टीम के खिलाड़ियों को पहचान कर घेर लिया और सेल्फी लेने लगे। 1 घंटे ताजमहल घूमने के बाद टीम रवाना हो गई। वहीं अमेठी में 13 अक्टूबर को CM योगी दौरा करेंगे, साथ ही CM योगी अमेठी के लोगों को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। गौरीगंज के कोहार मैदान में आगामी 13 अक्टूबर को आयोजित सांसद खेल प्रतियोगिता के समापन में CM योगी बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। इसके साथ ही कारागार गृह, पुलिस गृह सहित 278 योजनाओं का CM शिलान्यास करेंगे। 17 सितंबर वो माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस से एक अपने क्षेत्र में सांसद जी के द्वारा उन्हें इतिहास से सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। उसके पहले ब्लॉक स्तर पर, पहले नया पंचायत स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर, उसके बाद विधानसभा स्तर पर यह खेल हुआ। मामला बाराबंकी जिले के पीर बटवान का है, जहां की रहने वाली महिला साफिया बेगम ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए बताया कि वो अजमुद्दीन अशरफ इस्लामिया इंटर कॉलेज में सहायक के पद पर कार्यरत है। उसने मोहम्मद अलीम के बताने पर एक जमीन 10 लाख रुपए में खरीदने का तय किया था। महिला ने सारे पैसे भी दे दिए, लेकिन ना तो महिला को अभी तक कोई जमीन मिली, ना ही उसके पैसे वापस किए गए। क्या समस्या है? समस्या यह है कि मोहम्मद अलीम अजीमुद्दीन अशरफ इस्लामिया इंटर कॉलेज में क्लर्क हैं, जो मुझे ज़मीन दिखाने के लिए ले गए थे। मुझसे उन्होंने कहा कि दादा ज़मीन मत लेना, वरना बहुत धांधली चल रही है, मैं अपनी जिम्मेदारी से आपको दिलवा दूँगा। मेरा इन्होंने 10 लाख पैसे कटवा दिया था कि कल आपकी फ़ौरन रजिस्ट्री हो जाएगी तत्काल। वहीं श्रावस्ती में MLC साकेत मिश्रा की पहल पर जिले के स्वास्थ्य विभाग को बड़ी उपलब्धि मिली है। दरअसल NTPC प्रबंधन ने जिला अस्पताल सहित 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सौर ऊर्जा उत्पादन को मंजूरी दी है। साथ ही सौर ऊर्जा उत्पादन में 1,62,00,000 रुपए का बजट की भी मंजूरी दे दी गई है। जिला अस्पताल भिनगा सहित CHC बहनगा, सोनवा, महियापुर और सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा से लैस होंगे। आपको बता दें कि देश भर से पहुंचे प्रस्तावों में अधिकतर का बजट आवंटित हो चुका है। वहीं जिले के लोग साकेत मिश्रा की सराहना कर रहे हैं। रायबरेली पुलिस के द्वारा साइबर जागरूकता प्रचार वाहन को फीता काटकर पुलिस अधीक्षक रायबरेली ने रवाना किया। लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस और पिरामल फाइनेंस ने लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के माध्यम से एक प्रचार वाहन को पुलिस अधीक्षक ने रवाना किया है, जिसका उद्देश्य जिले में नुक्कड़ नाटक और कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों में जागरूकता फैलाना है, ताकि लोग साइबर क्राइम से बच सके और लोगों को इसकी पूरी जानकारी हो सके। देखिए, आज इस जनपद से साइबर अवेयरनेस के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इसकी रूपरेखा कुछ दिन पहले तैयार की गई थी और ये सारे
रेंज में जो लखनऊ रेंज है वहाँ के समस्त जिलों में बारी बारी होगा। यहाँ से आज ये फ्लैग ऑफ किया गया। वहीं आगरा में जामा मस्जिद की सीढ़ियों में केशव देव भगवान के विग्रह दबने होने के मामले में कोर्ट ने आज सुनवाई की है। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में मस्जिद की सीढ़ियों पर चलने की रोक की मांग की गई थी। साथ ही एएसआई द्वारा टीम गठित कर सर्वे कराने की भी मांग की गई थी। सभी मांगों को जज ने गहनता से सुना। उसके बाद 27 अक्टूबर को अगली सुनवाई की तारीख दे दी है। अब 27 अक्टूबर को जामा मस्जिद मामले में सुनवाई होगी। साथ ही कहा जा रहा है कि फैसले से दो दिन पहले यानी 25 अक्टूबर को आगरा संतों का जमवाड़ा हो सकता है। इसके साथ ही संतों के सनातन जागृति सम्मेलन में कथावाचक ठाकुर देवकी नंदन भी शामिल होंगे। आज कोर्ट में उस विषय को लेकर सुनवाई थी। हमारे पक्ष की तरफ से मांग रखी गई जामा मस्जिद की जो सीढ़ियां हैं उस पर जो आवागमन है उस पर रोक लगाई जाए, इसको लेकर बहुत बहस हुई। उसके बाद में 27 तारीख कोर्ट द्वारा दी गई है, उसके अंदर पूरी ताकत से हम मांग रखेंगे कि जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर लोगों का आवागमन है वो बंद किया जाए, क्योंकि उससे हमारी आस्था जुड़ी है। हमारे आराध्य केशव देव जी की मूर्ति उन्हीं सीढ़ियों के नीचे है। 1670 में औरंगजेब द्वारा वहाँ गाड़ी गई थी, इसको निकालने के लिए आदरणीय देवकी नंदन जी महाराज द्वारा जन आंदोलन चलाया जा रहा है। कोर्ट में आज उसकी सुनवाई हुई। प्रतिवादी नंबर एक और प्रतिवादी नंबर दो ने अलग अलग अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत जुरिडिक्शन के पॉइंट पर एप्लीकेशन दी। मैंने उसके जवाब के लिए समय मांगा। इससे पहले हमारी एप्लीकेशन एक 11C अमीन की थी, एक आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को पार्टी बनाने की एप्लीकेशन थी, और इसके अलावा सीढ़ियों पर पैर रख के न चलें इस बात की मेरी एप्लीकेशन पहले से ही पेंडिंग थी। इन सब एप्लीकेशन की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 27/10/2023 नियत कर दी है। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऋषिकेश के टेम्पो चालकों ने ट्रैफिक इंचार्ज पर उत्पीड़न करने का मामला लगाया है। मामले में चालकों ने SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में ट्रैफिक इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। उत्तराखंड जन विकास मंच के बैनर तले दर्जनों परिवहन व्यवसाय से जुड़े चालक SDM कार्यालय पहुंचे। चालकों ने SDM कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। SDM को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में चालकों ने कहा कि श्यामपुर नटराज बाईपास मार्ग पर डग्गामार वाहन संचालित हो रहे हैं, जिससे उत्तराखंड परिवहन निगम को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं शहर की ट्रैफिक व्यवस्था संभालने वाले इंचार्ज कई परिवहन संस्थाओं के डग्गामार वाहनों को स्टैंड पर जगह देने के साथ उन्हें संचालित करने पर दबाव बना रहे हैं। बात नहीं मानने पर टेम्पो स्टैंड को हटाने और वाहनों के बेवजह चालान काटने की धमकी दी जा रही है। गुजरात के तत्कालीन CM के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे गुजरात को स्वच्छ और स्वच्छ बनाने के लिए निर्मल गुजरात के विचार को स्वच्छता ही सेवा अभियान के साथ जोड़ा और अगले 2 महीने 8 सप्ताह तक स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत राज्यव्यापी स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में दहोद तालुका स्वास्थ्य अधिकारी भागीरथ वामनया, सह स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ओ और अन्य नर्सिंग स्टाफ शामिल हुए। અને એ જ્યારે મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે પણ ગુજરાતની અંદર નિર્મળ ગુજરાત કરીને આપણે અભિયાન ચલાવેલું અને એમાં ઘણી જ બધી આપણે સફળતાઓ મળેલી। હવે જ્યારે આપણા નરેન્દ્રભાઈ મોદી માનની વડાપ્રધાન હોય અને એમનું એક સપનું આ દેશને ઝડપથી સ્વચ્છ કરીએ, એમના અનુસંધાને સ્વચ્છતા હી સેવા લગભગ 1 ઓક્ટોબરથી માંડી અને 2 મહિના સુધીનું આખું અભિયાન ચલાવવાનું છે। આ અભિયાન અંતર્ગત સરકારી કચેરીઓ તેમજ ખાનગી કચેરીઓ, તમામ કચેરીઓ, સંસ્થાઓ, શેરીઓ, ગામ, સહકારિતા, મીઠાઈ, મુદ્રણ ઓર લેખન સામગ્રી, લઘુ, સૂક્ષ્મ ઓર મધ્યમ ઉદ્યોગ, કુટીર ઉદ્યોગ રાજ્યમંત્રી જગદીશ વિશ્વકર્માને કક્ષ કે ગાંધીધામમે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત વાઇબ્રન્ટ કચ્છ શિખર સંમેલન કા ઉદ્ઘાટન કિયા। વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત વાઇબ્રન્ટ કક્ષ કાર્યક્રમ कक्ष जिला प्रशासन और गांधीधाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की संयुक्त पहल के रूप में आयोजित किया गया था। वाइब्रेंट कच्छ समिति में कुल 139 MSMI इकाइयों के साथ 3,370 करोड़ रुपए के MU पर हस्ताक्षर किए गए। जैसे वाइब्रेंट में 20 वर्ष पूर्ण था, हमारा ताजेतर में नेशनल
માનનીય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી સાયન્સ સિટી ખાતે વાયબ્રન્ટના વિશ્વ કોષ પૂર્ણ થઈને જોડી થઈ આ વખતનું વાયબ્રન્ટ જ્યારે જાન્યુઆરી મહિનામાં થવા જઈ રહ્યું છે આ વખતે એક નવા કોન્સેપ્ટ નવા રૂપ સાથે વાયબ્રન્ટ માત્ર ગાંધીનગરમાં યોજાતું પણ આ વખતના જે રોડ શો 6 તારીખે માનનીય મુખ્યમંત્રી દિલ્હીમાં કરટલે સર वहीं सीएम भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में निकाली गई ये यात्रा आज़ादी के अमृत महोत्सव पहल के हिस्से के रूप में मिट्टी को नमन करने और वीरों को सलाम करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल प्रेरक उपस्थिति में अहमदाबाद के भोपाल क्षेत्र में अमृत कलश यात्रा आयोजित की गई। अमृत कलश यात्रा वकील साहब ब्रिज से शुरू होकर एक के बाद एक शिविरों से होते हुए भोपाल की इंडिया कॉलोनी पहुंची, जहां समाज के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। वहीं मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र पीली कोठी चौराहे पर वकीलों द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें वकीलों द्वारा मांग की गई कि हाई कोर्ट यहां से काफ़ी दूर है, साथ ही कहा गया कि हाई कोर्ट की बेंच वेस्टर्न यूपी में भी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि हम इन मांगों को 33 साल से सरकार से मांग कर रहे हैं, मगर सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार है और यूपी में भी भाजपा सरकार है, मगर सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर वेस्टर्न यूपी में हाई कोर्ट की बेंच नहीं लाई गई तो हम लगातार बड़ा आंदोलन करेंगे और यह आंदोलन नहीं रुकेगा। महोबा के महिला जिला अस्पताल में रात के समय बर्थडे पार्टी मनाने का वीडियो सामने आया है। स्टाफ नर्स के बर्थडे पार्टी के जश्न का वीडियो सामने आने के बाद जिम्मेदार अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं, जहां मानवीय संवेदनाओं से दरकिनार लेबर रूम के पास ही तेज आवाज में फिल्मी गाने बजाए गए और जन्मदिन की पार्टी मनाई गई। पिज्जा और केक काटकर इस पार्टी को मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जो कई सवाल खड़े करता है। मेरे ऐसा संज्ञान में नहीं है, लेकिन यदि मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ आता है तो निश्चित रूप से मैं वहाँ के CMS से वार्ता करूँगा कि इस तरह की गतिविधियां ना हो जिससे जनमानस को किसी तरह की असुविधा का सामना करना पड़े। ललितपुर में यात्री बस पिकअप को बचाने के चक्कर में पेट्रोल पंप और मकान में जा टकराई। हादसे में 31 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को महरौनी CSC ले जाया गया, जहां से 12 यात्रियों की हालत खराब होने पर उन्हें ललितपुर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार ये बस मड़ावरा से मेहरौनी तरफ जा रही थी और इसमें अभी प्राप्त सूचना के अनुसार 31 लोग यहाँ पर जो इसमें बैठे हुए थे, कुछ हल्की हल्की इसमें आया था, चोटें आई थी। 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको यहाँ पर CSC मेहरौनी से इनको रेफर किया गया है, लेकिन उनकी स्थिति खतरे से बाहर है, सामान्य चोटें हैं, किसी को कोई विशेष या गंभीर चोटें यहाँ पर नहीं आई। इनका प्राथमिक यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करके इनको यहाँ पर भेजा जा रहा है। संभल में तेज रफ्तार डंपर ने सड़क पार कर रही महिला को टक्कर मार दी। हादसे में युवती की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने हाईवे पर रोड जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी चालक को वाहन सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है। दिनांक 12 अक्टूबर को थाना बैजोई के अंतर्गत संभल बैजोई राजमार्ग पर एक किशोरी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसमें सूचना के आधार पर तत्काल पुलिस द्वारा किशोरी के मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है तथा परिजनों की तहरीरी सूचना के आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने हरिद्वार में दक्षिण काली मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की, साथ ही विश्व कप में भारत क्रिकेट टीम की जीत की कामना की। शाम को हरिद्वार पहुंचे क्रिकेटर सुरेश रैना पूरी तरह से अध्यात्म के रंग में रंगे हुए नजर आए। इस मौके पर उन्होंने निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी से भी आशीर्वाद लिया।
पत्रकारों से बात करते हुए सुरेश रैना ने कहा कि इस बार क्रिकेटर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार हमारी टीम ही जीतेगी। जैसे बोला चल रहा है, इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, पहला मैच जीते, अभी दूसरा अफगानिस्तान के साथ चल रहा है, इंडिया का बहुत अच्छा चांस है। 2013 के बाद जो ICC ट्रॉफी आएगी, मुझे लगता है 2023 में आनी चाहिए। और जिस तरह से अभी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 15 के 15 प्लेयर बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुलदीप यादव, विराट कोहली, KL राहुल, अब देखिए किस तरह से परफॉर्मेंस हो रही है टीम की, तो मुझे लगता है ये सही डायरेक्शन में जा रही है टीम अभी। अहमदाबाद में द्वितीय राज्य स्तरीय कौशल दीक्षांत समारोह 2023 ITI सरसपुर में आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह बापूनगर के विधायक दिनेश कुशवाहा और रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशक गार्गी जैन की उपस्थिति में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर गार्गी जैन ने कहा कि आज औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सरसपुर से स्नातक करने वाले सभी प्रशिक्षु भविष्य में अपने सपनों को साकार करेंगे। इतना ही नहीं, इन प्रशिक्षुओं द्वारा अर्जित व्यवहारिक ज्ञान भविष्य में आगे बढ़ाने में भी बहुत काम आने वाली है। ITI सरसपुर खाते विद्यार्थियों दीक्षांत समारोह, जे विद्यार्थियों आ व्यवस्था में उत्तीर्ण थी आग गया है एवं विद्यार्थियों एक दीक्षांत समारोह योजना तो। आ समारोह में मरी साथ आ IS ऑफिसर गार्गी मैडम अने PD लाइटना उपाध्याय जी ने सौ घना बदा लोग मारी जोड़े स्टेज पर था। अने आ दीक्षांत समारोह में अँ थी जो उत्तीर्ण थना विद्यार्थी है ऑल इंडियाए फर्स्ट आयो है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।